नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उड़ीसा से लाकर यूपी के अलीगढ़ में सप्लाई के लिए 9 क्विंटल गांजा लाया गया था, जिसको पुलिस ने कंटेनर के साथ बरामद कर लिया है। मुख्य आरोपी फरार हो चुका है, जबकि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा देश इस वक्त कोरोना के प्रकोप के चलते परेशान है, जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। साथ ही सभी लोग अपने घरों में कैद हैं, सिर्फ जरूरत की चीजों की यानी कि सामानों की दुकानें खुली हैं, या उन सामानों को दुकानों तक पहुंचाने के लिए, आवागमन के लिए सरकार के द्वारा वाहनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति दी गई है, जिससे किसी भी राज्य में खाद्य पदार्थों की कमी की वजह से कोई परेशानी ना आए। लेकिन कुछ लोग इन सभी आदेशों का फायदा उठाकर गांजे के बड़े कारोबार में 4 चांद लगाते नजर आ रहे हैं। साथ ही सरकार सहित कानून व्यवस्था को चकमा देकर करोड़ों रुपए के नशे के इस कारोबार को अलीगढ़ में जगह जगह फैला रहे हैं। यही कारण है कि दूसरे प्रांत उड़ीसा से लाकर अलीगढ़ में 9 क्विंटल गांजे की खेप जो बंदरबाट के लिए लाई जा रही थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से गांजा तस्करों के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए और उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूरा मामला अलीगढ़ के कयामपुर मोड़ का है, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 9 क्विंटल से भी ज्यादा गांजे का जखीरा बरामद किया है। बताया गया है कि आरोपी युवक गांजे को अन्य प्रांतों से लाकर यूपी के अलीगढ़ में जगह जगह सप्लाई किया करते थे। वहीं इस मामले में एसपी सिटी अभिषेक झा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कयामपुर मोड़ पर पकड़े गए कैंटर से पुलिस के द्वारा 9 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। साथ ही 5 आरोपी युवकों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मुख्य आरोपी बिपिन अभी भी फरार है। आरोपी को जल्दी गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया है। एसओजी को एक सूचना मिली थी और उसी के आधार पर कल रात 24 और 25 अप्रैल की मध्य रात में थाना कुआसी क्षेत्र में कयामपुर मोड़ के पास एक कंटेनर पकड़ा गया और 5 व्यक्तियों की जो है गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि संदेश, मनोज, शिशुपाल, लोकेश और रिंकू शर्मा गिरफ्तार हैं, तथा विपिन नाम का एक व्यक्ति भागने में फरार हो गया था। विपिन इसमें मुख्य व्यक्ति है, जिसके थ्रू सारा काम होता था। ये लोग उड़ीसा से सामान लाते थे और इनके साथ गजेंद्र शर्मा नाम का एक व्यक्ति था, जो विपिन का ही रिश्तेदार है, और उसी के ट्रक का इस्तेमाल किया जाता था। और लोकेश और शिशुपाल नाम के व्यक्ति, ये भी साथ में अपने पैसे लगाते थे, जिसके आधार पर ये लोग लेकर आते थे सामान और उसे रिटेलर्स को अलीगढ़ में बेचते थे और उसके थ्रू जो है माल सप्लाई किया जाता था। इसमें ये सामान लाने और ले जाने के लिए 3 व्यक्तियों का इस्तेमाल करते थे, संदेश, मनोज और रिंकू। रिंकू इसमें जो है उनका मेन कॉन्टैक्ट था, जो सामान लाने के लिए जाता था। संदेश और मनोज जो है ड्राइवर्स थे। इन लोगों ने ये भी बताया है कि ड्राइवर्स को कई बार बदल बदल कर भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन पिछले 2 बार जो है संदेश और मनोज गए थे। इसमें विपिन और गजेंद्र फिलहाल वांछित हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। और इनके कब्जे से करीब 9 क्विंटल 40 किलोग्राम नशीला गांजा और एक नागालैंड की नंबर प्लेट बरामद हुई है। ये कंटेनर का इस्तेमाल अलग अलग जगह से तस्करी करने के लिए करते थे। सर, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? इनका कहना है कि करीब 2500 रुपये किलो ये लेकर आते थे सामान और उसे करीब 4500 रुपये पर बेचते थे। इसकी जानकारी की जा रही है। ये इसमें से विपिन जो व्यक्ति है वो शासनी का रहने वाला है और इसके आबादी के साथ जानकारी की जा रही है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।